इन्वेस्ट समिट 2022 से जुड़ी हुई एक और बड़ी और अच्छी खबर यहां पर सामने आई है। आपको बता दें कि आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास रंग लाए हैं। आरसीए को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। इन्वेस्ट राजस्थान में निवेश की घोषणा की गई है। जयपुर उदयपुर क्रिकेट स्टेडियम और क्रिकेट अकादमी में उद्योगपतियों द्वारा निवेश की घोषणा यहां पर की गई है। वैभव गहलोत ने उद्योगपतियों से यहां पर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है और इसी के तहत यहां पर आपको बता दें कि बड़ी सफलता आरसीए को मिली है। ऑनरेबल श्री गौतम अडानी जी को, टोरिंग ग्रुप के चेयरमैन साहब को बहुत बहुत मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उदयपुर स्टेडियम के लिए और जो एकेडमी की इन्होंने घोषणा की उसके लिए। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ललित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, आरसीए को बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है, दो स्टेडियम्स की भी यहां पर घोषणा की गई है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, इन्वेस्ट राजस्थान न सिर्फ प्रदेश के विकास के लिए सही साबित होता हुआ नजर आएगा, साथ ही आने वाले समय में प्रदेश के क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए भी ये बेहतर भविष्य की उम्मीदें लेकर आया है। आज अगर आप बताए, आपको जानकारी देते हुए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ाने के लिए भी उद्योगपतियों ने अपनी रुचि दिखाई है। आज जब आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत इन्वेस्ट राजस्थान में पहुंचे थे तो वहां पर जो आरसीए के संरक्षक हैं और विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, उनकी मौजूदगी में कई उद्योगपतियों से वैभव गहलोत ने मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान में क्रिकेट को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। तो वही राजस्थान में जो सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, भारत का दूसरा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, इसकी भी जानकारी दी। जिसके बाद उद्योगपतियों ने क्रिकेट के और क्रिकेट स्टेडियमों को लेकर इन्वेस्ट के लिए अपनी मंशा जताई। बहुत अच्छे वातावरण में वार्ता हुई है और जो उद्योगपति हैं उन्होंने कई इन्वेस्ट की घोषणा कर दी है। अब जल्द ही इनकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसके बाद उद्योगपतियों से फिर से मीटिंग की जाएगी। लेकिन बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।